नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का मौसम हो रहा है काफ़ी शानदार। जयपुर में देखिए मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, एकदम प्लीजेंट मौसम हो रहा है, बारिश वाला। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे क्योंकि मौसम हो रहा है बड़े बहुत ही अच्छा। और ये जो ट्रिप है वो होगी कम से कम भी नहीं तो 350 किलोमीटर की, आना और जाना। और दोस्तों देखिए ऐसा मौसम होता है जयपुर में, राजस्थान में बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है बहुत ज़बरदस्त। और ऐसा मौसम वो भी संडे को होना, फिर उसको छोड़ने का मतलब है कि आप साल भर मिस करते हो इस मौसम को। तो इस वजह से हमने सोचा आज थोड़ा सा इसको गाड़ी को घुमा लें, बारिश में भी इसके आनंद ले लें। मैग्नाइट को हो गया है तकरीबन 1 साल और इसको ज़्यादा चली नहीं है, अभी 3000 कुछ किलोमीटर चली है। और ऐसे मौसम में हमने इसको कम ही चलाया है। तो अभी इसका हाईवे पे परफॉर्मेंस देखेंगे, वेट रोड्स हैं सारी। और अभी हम एक्चुअली जा रहे हैं दोस्तों सालासर बालाजी, और सालासर बालाजी है यहाँ से जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर। तो ये जो टोटल जो ट्रिप होगी वो 350 किलोमीटर होने वाली है, आना जाना दोनों तरफ। और दिखाएंगे आपको नज़ारे राजस्थान के भी, हरियाली राजस्थान की। वैसे तो राजस्थान सूखे के लिए पसंद है लेकिन बारिश के मौसम में तो ये भी एक नंबर हो जाता है। तो मौसम के साथ में आज हम आनंद लेंगे अपनी ट्रिप का। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इसी ट्रिप पे, आपको दिखाएंगे नज़ारे। और अगर आप भी जयपुर से, अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं और आपको जो खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की ट्रिप करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते हैं, तो स्पेशली सालासर बालाजी और जो अपने करणी माता है बीकानेर देशनोक में, और ये अपने जो खाटू श्याम जी है, वो तीनों एक ही रूट पे पड़ते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं इस मौसम में, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है इस मौसम में, आप प्लान कर सकते हैं। और अब इसके बाद में जो है सीजन, टूरिज्म का सीजन राजस्थान में शुरू हो जाएगा क्योंकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना यहाँ पे, तो लोग जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। तो जो खाटू श्याम जी का है और सालासर बालाजी का और जो करणी माता देशनोक है, वो एक ही रूट पर आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो ये तीनों टूर आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, और ये लगभग आपको 350-400 किलोमीटर के लगभग पूरा टूर होगा आपका एक तरफ का, क्योंकि लगभग एक दिन में पूरा हो सकता है अगर आप बैक टू बैक ट्रैवल करेंगे तो। नहीं तो आप खाटू श्याम जी में भी रुक सकते हैं, पूरा आना ले सकते हैं खाटू नगरी का, उसके बाद में सालासर जा सकते हैं, सालासर के बाद में आप सीधे देशनोक निकल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, ऐसे नज़ारे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो भाई एज यूजल घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ये देखिए ट्रैफिक जाम। भाई जयपुर में तो ये बारिश होती है पता नहीं क्या हो जाता है, ट्रैफिक तो ऐसे जाम हो जाता है बस पूछिए मत। और ये भाई साहब को बड़ी जल्दी हो रही है, तुम निकलो पहले भैया, कहीं ट्रेन ना छूट जाए किसी की। मतलब इनको इतनी बड़ी बस है लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे चढ़ाना चाहे चढ़ा देते हैं लोगों पे, तो कोई वो नहीं है, टच हो जाए कुछ हो जाए गाड़ी पे लेकिन रोकेंगे नहीं भाई ये गाड़ी, ये लोक परिवहन वाले। तो भाई इनसे बच के चलो, रोडवेज से भी खतरनाक होते हैं ड्राइवर। देखिए अब ये हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा भाई, इसको पता नहीं क्या सूझ रहा है, प्रॉब्लम है भाई इन लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको, पता नहीं कहाँ लेके जाना है इन सवारियों को। पता है बारिश हो रही है, मज़े नहीं ले रहे बारिश के, और पौपाटे कर रहे हैं ये, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब देखिए मजे, आप देख रहे हैं बारिश खतरनाक जयपुर में भाई। ये तो मतलब कह रहे हैं ना साल में एक बार ही नज़ारे मिलते हैं, मतलब साल में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन ऐसी बारिश होती है जो अच्छा सा महसूस होता है, अदरवाइज तो भाई पूरे 12 के 12 महीने ऐसे निकलते हैं ना यहाँ पे। लेकिन हाँ सर्दियों में थोड़ा ठीक रहता है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं और मौसम ठीक रहता है, लेकिन भाई ये फरवरी मार्च से लेके और जुलाई अगस्त तक तो ऐसी गर्मी पड़ती है ना दबा के, आज तो ऐसे लग रहा है यहाँ निकल के नहाले भाई देखिए। लेकिन अब क्या करें, बच्चे तो रहे नहीं, आज सुबह से अच्छी खासी बारिश हो रही है भाई मज़ेदार। अब देखते हैं 170 किलोमीटर पे कितनी आपको मिलती है बारिश, अभी तो जयपुर में ही है हम और जयपुर में तो अभी मज़े हो रहे हैं फुल। अब रास्ते में पता लगेगा भाई, ट्रिप को कर दिया था रीसेट और ये ट्रैफिक के कारण हो गई 15.2 किलोमीटर की एवरेज दिखा रही है। कोई बात नहीं, आज हम एंजॉय करने आए भाई, ये ट्रिप ट्रिप तो चलती रहेंगी।
लेकिन बारिश का परफॉर्मेंस दिखेंगे गाड़ी का। 1000 cc नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन निसान मैगनाइट, बारिश में बढ़िया चल रही, मस्त मजा आ रहे हैं गाड़ी में तो एकदम फर्स्ट क्लास। भाई थोड़ी कम हो जा, कुछ दिख नहीं रहा। ए सब्सक्राइबर्स को क्या दिखाऊंगा। ओ भाई भाई देखिए, वाइपर फुल पे किया हुआ है। और ये देखिए, ये देखिए भाई, बारिश क्या ही कहने भाई, आगे चल रही बस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या भाई, इधर ये बस रोड तो हाईवे है, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं मिलना चाहिए, कि बारिश में पानी भर जाता है और कुछ दिखता नहीं है, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी तो मस्त मजे हैं, चलते रहो अपने स्पीड में और करते रहो एंजॉय। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे शानदार जयपुर से। ये जो हाईवे है, सीकर जाता है, झुंझुनू जाता है, चूरू जाता है, पिलानी जाता है, और ये हरियाणा तक निकल जाता है। हरियाणा से आगे आप जा सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से वैसे रूट जो है ये दिल्ली से, अगर आप नहीं जाना चाहते हरियाणा की तरफ तो आप ये रूट भी पकड़ सकते हैं। ये रूट जो है आपको वैष्णो देवी तक चला जाएगा दोस्तों। हम तो जाएंगे केवल आज सालासर बालाजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो देखते हैं वहाँ तक का मौसम कैसा रहता है। बस धूप ना निकले भाई, चाहे बारिश हो ना हो, धूप नहीं निकलनी चाहिए, पूरा मौसम माथे में दर्द कर देता है ये धूप वाला मौसम। अब ये बारिश रुकेगी ना और जब मौसम धूप निकल जाएगी एकदम से, तो पूरा उमस हो जाता है, फिर तो मज़ा नहीं आता भाई, चाहे बारिश हो रही हो, लेकिन वो उमस वाला जो मौसम है ना बहुत इरिटेट करता है। तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि बारिश चल भले हो ना हो, लेकिन मौसम ऐसा ही रहे, ताकि हम मज़े करते हुए जाएं। तो भाइयों देखो, 22 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन बारिश तो ताबड़तोड़ आ रही है। ताबड़तोड़ का मतलब ताबड़तोड़, सामने कुछ नहीं दिख रहा भाई। अब मैं क्या रिकॉर्ड करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन बारिश में तो एक नंबर मज़ा आ रहा है भाई साहब। एंजॉय करिए आप भी बारिश में, अगर आपकी सिटी में बारिश नहीं हो रही तो, वो भी राजस्थान में भाई, राजस्थान में, राजस्थान में बारिश एंजॉय करिए आप, ठीक है। तो राजस्थान में देखने को कमी मिलती है भाई साहब। ये रोड जा रही है सामोद वाले हनुमान जी भी इधर ही आएंगे, चोमू भी इधर ही आएगा। अब चोमू की कहानी आपको नहीं पता तो आप देखिए गूगल करके, मैं नहीं बताने वाला आपको। और अब आप सामोद वाले हनुमान जी का मंदिर आगे से राइट में आ जाएगा थोड़ा आगे, और फिर ये सीधा जो हाईवे है वो हमें सीकर से आगे चूरू डिस्ट्रिक्ट वाले रोड में हमें कट करना पड़ेगा, वहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे सालासर बालाजी। अभी केवल और केवल 23 किलोमीटर चली है स्पीड, देखिए गाड़ी की भाई तेज कहाँ चला रहे, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा शीशा जबरदस्त ताबड़ तोड़ साफ कर रहा है। वाइपर भी आज तो सोच रहा है वाइपर भी, भाई आज तो भयंकर ही काम पे लगा दिया, एक साल से मस्ती मार रहा था फुल, लेकिन अब इस वाइपर का भी काम चालू हो गया आज तो। और भाई और तेज आ गई है बारिश, देखिए अब यार ये नज़ारे देखने का तो फिर क्या, थोड़ा बंद होगी ना बारिश तभी आएगा मज़ा। और इस बारिश में तो हम एंजॉय कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, बाहर जाके नहा तो सकते नहीं। आप भी बने रहिए हमारे साथ, अगर थोड़ी बारिश कम होगी तो आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही आप वीडियो में लगातार बने रहिए और जर्नी को एंजॉय कीजिए। अगर आप राजस्थान से बाहर से हैं और चाहते हैं कि भाई मैं खाटू श्याम जी का टूर कर सकता हूँ, तो ये रूट है जयपुर से सीकर वाली, वो पकड़ लें आप, और उसी रोड पे आपको सारे जो रूट हैं वो खाटू श्याम जी का सालासर का ये मिलेगा दोस्तों। दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। तो भाइयों देखिए, अब आ गए हैं 44 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, फिर भी बारिश देखिए आप क्या ताबड़ तोड़ हो रही है ना भाई, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं कहीं पे कम होती है, लेकिन ये बिल्कुल बंद तो कहीं पे भी नहीं मिली बॉस अभी तक ये 45 किलोमीटर में। जयपुर में जब हम निकले थे तो बिल्कुल आके जा चुकी थी, और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया और वहाँ से शुरुआत हुई थी एकदम धीरे 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 धीरे। और अब ये देखिए भाई साहब क्या ताबड़ तोड़ होती जा रही है, और रुकने का कहीं नाम नहीं है इसका। और ये गाड़ी अपनी चल रही है 60 की स्पीड में भाई, इसमें ज़्यादा तेज भी नहीं जा सकते इस स्पीड में, पता नहीं रोड पे कोई गड्ढा वड्ढा हो, दिख रहा भी नहीं है साफ से एकदम। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे कम है तो थोड़ा दिख रहा है, कई बार तो बहुत तेज़ हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे तेज़ हो जाती है, यही सिलसिला चल रहा है भाई इसमें तो। लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा है ड्राइविंग में भाई, ये तो बात है, हमारी मैग्नाइट धन्नों को चलाने में आज बारिश में हम भी टेस्ट कर रहे हैं तुम्हें, टेस्ट कभी कभी करते हैं तुम्हें, और आज ढंग से कर रहे हैं। तो भैया चलते रहो हमें।
मजे कराने दो, चलाने दो तुम्हें आज अच्छे से, बारिश में भी देखेंगे। वैसे तो देख लिया तुम्हें एक साल तक चला चला के, बारिश में भी हम चला चला के देखेंगे तुम्हें। तो भैया कैसा चलते हो तुम? चलने का मतलब ये है कि भाई कैसा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्म तो वैसे ही करेगी ना यार, मैं भी कैसी कैसी बातें करता हूँ। रोड पे चलती है, रोड पे चलेगी, लेकिन बारिश में चलाने का मजा जो है दोस्तों, मजा जो है वो देखना था। वो भाई टावर तोड़ है ना भाई, वो आ रहा है मजा चलाने का। चल रहे अपनी भाई लाइन पे लोगों के साथ, देखिए कितना, मतलब ऐसा लग रहा है कि शाम के 7-8 बजने वाले हैं, रात होने वाली है, जबकि एक्चुअल में जो टाइम हुआ है अभी ये लगभग 2-2.5 बज रहे हैं बस अभी। हम चले थे लगभग 1 बजे, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करते करते आराम से चलते चलते। अब देखिए जैसे बारिश कम होती है तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है चलाने का। लेकिन जैसे बारिश टावर तोड़ होती रहती ना, तो फिर भाई कुछ नहीं दिखता, फिर अपने आराम से 60 की स्पीड पर रहती गाड़ी थी। तो वही बात है भाई, आराम चलाओ बारिश के मौसम में, ज़्यादा हड़बड़ाहट में चलाओ, अपने 60-70 की स्पीड में आराम चलानी चाहिए। क्योंकि गाड़ी को पता है ना आपको, बहुत लोग तेज चलाओगे तो गाड़ी में ट्रैक्शन नहीं बनेगा, टायरों में ट्रैक्शन नहीं बनेगा, तो गाड़ी स्लिप मारेगी। हालांकि आजकल की गाड़ी में ABS EBD वगैरह सब आते हैं, लेकिन भाई वो भी एक हद तक ही आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्लिपरी रोड्स पे तो आपको देख के ही चलाना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए, रिंगस वाला इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है दोस्तों, यहाँ से रिंगस का इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया है लेफ्ट से, और लगभग अब जो खाटू का जो रोड है वो भी यहाँ से आगे से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी रास्ते में कि आप कहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा रिंगस से। अभी तो ये मेन एक्चुअल में हाईवे बना दिया है, तो पहले तो अपने को रिंगस में होके एक दूसरा रोड था वहाँ से आना पड़ता था, अभी ये यहाँ से ही कट जाएगा लेफ्ट में रिंगस के लिए, और वहाँ से आपको खाटू श्याम जी के लिए जाना पड़ेगा। और वो भी रोड एकदम बढ़िया बना दिए भाई, रिंगस से खाटू श्याम जी की भी 16 किलोमीटर का जो रोड है वो भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, अभी हम आपको ले जाएंगे तालासर बालाजी के दर्शन कराएंगे आज आपको घर बैठे वो भी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बजा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो भाइयों देखिए, अब रिंगस वाली पुलिया आ चुकी है, और अब यहाँ से देखिए आगे जब ये पुलिया ख़त्म होगी तो वहाँ पर एक सर्कल आएगा छोटा सा, तो आप वहाँ से लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट लेके एक और पुलिया आएगी, राइट में चले जाना, तो आपको सीधा खाटू श्याम जी रोड पकड़ लेंगे आप। अगर आप जयपुर में, जयपुर से बिलोंग नहीं करते या राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, तो आपको मैं ये समझा देता हूँ कि रिंगस आने के बाद में आपको ये पुलिया आएगा, एक पुलिया आने के बाद में आपको सीधा चलना है पुलिया के लेफ्ट में, भी रोड जा रहा है लेकिन लेफ्ट में नहीं जाना है, सीधे पुलिया पर चढ़ जाना है। तो पुलिया उतरने के बाद में ये देखिए चौराहे सा आएगा यहाँ पर, थोड़ा आगे जाके यहाँ से आप लेफ्ट लेके और खाटू श्याम जी की रोड पकड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोड है, रोड में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी आपको। जयपुर से जो खाटू श्याम जी का डिस्टेंस है मैक्सिमम है वो 50 किलोमीटर से ये है, और मतलब 70 के आसपास मान लीजिए आप, 70 किलोमीटर है यहाँ जयपुर से, और जो सालासर बालाजी है वो 170 किलोमीटर से है। यानी कि अभी तो हम, अब यहाँ से जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो 16-17 किलोमीटर का है, और इसके अलावा फिर आप जब जाएंगे आगे तो 100 किलोमीटर और आपको यहाँ से 120 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। हालांकि खाटू श्याम जी से भी एक रोड जाता है, लेकिन हमें अभी आज खाटू श्याम जी के नहीं जा रहे, हम जाएंगे बालाजी के मंदिर में, तो हम इसीलिए यहाँ से ही हाईवे टू हाईवे निकल जाएंगे। दोस्तों ये देखिए रिंगस की पुलिया, सॉरी वो पुलिया नहीं थी, ये वाली पुलिया है, वो रिंगस की दो पुलिया आई है एक बैक टू बैक, तो यहाँ से आप ले सकते हैं अपनी गाड़ी। आप वहाँ से अगर आप एयरपोर्ट से ले रहे हैं तो एयरपोर्ट से कम भी नहीं तो 100 किलोमीटर पड़ेगा खाटू श्याम जी। अगर आप सिंधी कैंप से या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आ रहे हैं तो 75-80 के आसपास पड़ेगा खाटू श्याम जी। जयपुर से बात कर रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी, टैक्सी आप ऐप जो ओला उबर है वो भी कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप नहीं तो आपको लोकल वेंडर्स भी काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ पे, जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो
आप जयपुर में आके डिसाइड कर सकते हैं आपको, नहीं तो आप वहाँ से जहाँ से भी आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं आप वहाँ से भी आप टैक्सी करके आ सकते हैं। वहाँ से नहीं करना है तो आपको जयपुर में आने के बाद में आप जो लोकल टैक्सी ऐप है वहाँ से आप बुक कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट पर आपको टैक्सी मिल जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों देखिए ये चौक आ चुका है, ये एक्चुअली जो लेफ्ट में जा रही है गाड़ियाँ, ये देखिए जो टेम्पो ट्रेलर जा रहा है, यहाँ से आप जाएंगे तो आप सीधा खाटू श्याम चले जाएंगे। थोड़ा सा 100 मीटर आगे जाने पे आपको राइट लेना होगा, राइट लेते ही आप सीधा जो रिंगस खाटू वाली रोड है उस पर चढ़ जाएंगे, उससे आपको सीधा खाटू श्याम जी के खाटू गाँव में आप पहुँच जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आधा घंटे का सफ़र और होगा, 20 किलोमीटर सिंगल रोड है इसलिए थोड़ा आराम से लाएंगे गाड़ी, तो आराम से आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा पूरे रास्ते। बारिश तो हो रही है ताबड़तोड़, फुल मज़े हो रहे हैं बारिश में अभी लाइन पे। तो भाइयों अब देखिए आधे तो आ चुके हम, 80 किलोमीटर तो गाड़ी चल चुकी है, लेकिन बारिश का जो मौसम है वो एकदम आज बारिश कह रही है कि भैया आज गिर के रहूँगी मैं। तो मतलब बाकी जगह तो राजस्थान में ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर पे बारिश हो रही है, 1 किलोमीटर पे धूप निकल रही है, लेकिन आप देखिए अभी 80 किलोमीटर की रेंज जो थी, मतलब 60 किलोमीटर रिंगस तक तो ये हालत थी भाई साहब, कुछ दिख नहीं रहा था। अब रिंगस से थोड़ा आगे आए हैं हम, तो थोड़ा सा बारिश थोड़ी कम हुई है, तो अभी देखिए 80 पे चल रही है लेकिन बारिश काफ़ी कम गिर रही है, तो थोड़ा सा चैन में चैन आया भाई। तो दोस्तों ये है पूरा अभी तक का 80 किलोमीटर का जो ट्रिप है। दोस्तों देखिए मैंने ये जो अभी तक जो 81 किलोमीटर चल गया उसमें 19 के आसपास का एवरेज इसने दिया है, और 4.2 लीटर का जो है गाड़ी ऑयल का जो फ्यूल का इंजेक्शन हुआ है दोस्तों। तो देखिए अभी पूरा आपको बताऊंगा इसका परफॉर्मेंस, लेकिन हाईवे पे चलाने में भाई साहब काफ़ी मज़े आ रहे हैं, इसको काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसमें कभी हमें जो शीशा है वो फॉगी रहता है, इसके लिए हमें एसी भी चलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है 19 का एवरेज, मतलब ऑलमोस्ट हमें हर 5-10 मिनट में एसी को ऑन करना पड़ रहा है, 4-5 मिनट के लिए। कंटिन्यू तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी अंदर काफ़ी चिल्ड उत्साह हो जाता है मौसम, केबिन एकदम ठंडा रहता है, लेकिन भाई देखिए अभी भी बारिश तो आ रही है, और यही तो है भाई मौसम, बारिश का अभी नहीं आएगी तो कभी आएगी, आने दो भाई आने दो। राजस्थान में वैसे ही बारिश नहीं पड़ती है यार, और हम जो लोग हैं ना क्या बताएं यार, बहुत मस्त मज़े आ रहे हैं, बारिश तो एकदम चिलचिलाती हुई पड़ रही है और पूरे सफ़र को सुहाना कर दिया है, और एक नंबर। तो हमारे वंशु जी कुछ बोलेंगे, वंशु जी मज़ा आ रहा है क्या आपको, कितना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो क्या आप ट्रिप को? अरे वाह भाई। तो हमारे भाई साहब ये जो हैं, तो अभी हमारे बच्चे जो हैं बालक जो हमारा मिस्टर ध्रुवित, इसको काफ़ी मज़े आ रहे हैं आज सुबह से, काफ़ी दिनों से मेरे को पीछे पड़े हुए थे, पापा हम लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, पापा हमें घूमने जाना है, पापा घूमने जाना है, तो मैंने कहा भाई आज संडे पे था, बस अगर मौसम अच्छा हुआ तो चलेंगे, मौसम अच्छा होने का मतलब ये कि अगर बादल भी हुए तो भी चलेंगे, धूप नहीं आनी चाहिए भाई, धूप से सख्त नफरत है, धूप तो राजस्थान में ऐसे पड़ती है जैसे कोई आग की भट्टी, बाहर निकलो तो एकदम सिक जाता है पापड़ सा, तो भाई वो तो आज मौसम कतई नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार, काफ़ी दिनों से टेम्परेचर तो भाई साहब ये एक सप्ताह से उमस भरा हो रहा था, 29-30 के आसपास था, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा थी कि भाई अंदर बैठे बैठे भी ऐसा लग रहा था जैसे उमस नहीं होनी चाहिए भाई, देखो गर्मी सहन की जा सकती लेकिन ये उमस नहीं होती, मुंबई वाला मौसम हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये है मोटा मोटी, बने रहिए दिखाते रहेंगे आपको ऐसे नज़ारे मज़ेदार। RPM ड्राइव पर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही थोड़ा आगे, आपको बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों फाइनली हम सालासर वाला जो रोड है वो पकड़ लिया है हमने सीकर से, पहले एक लेफ्ट जो बीकानेर वाला हाईवे था उससे लेफ्ट में 10 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट में हमने सालासर वाला मोड़ पकड़ लिया, और इसमें अभी आपको बता दूँ 38 किलोमीटर का डिस्टेंस और बता रहा है, 38 किलोमीटर। अब देखिए ये सिंगल रोड है, अब इसमें दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, हम एक्सपेक्टेड जो टाइम बता रहा है इसमें लगभग 40-50 मिनट्स बता रहा है, तो होपफुली हम पहुँच जाएंगे आधे पौने घंटे में,
ये पूरी जर्नी दोस्तों एकदम बारिश में थी, तो मैं ज़्यादा नज़ारे आपको दिखा नहीं पाया। और बारिश तो देखिए बहुत ही अच्छी है। अब ये नहीं कह सकते कि नज़ारे दिखाने के लिए बारिश बंद हो जाए, क्योंकि बारिश तो बहुत ज़रूरी है और बारिश होनी भी चाहिए। तो उस हिसाब से हम एंजॉय कर रहे हैं रेन को, और बहुत ही शानदार, मतलब जयपुर से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू बारिश हो रही है। जयपुर के आसपास रिंगस तक काफ़ी अच्छी बारिश थी, उसके बाद में ये रिमझिम यहाँ पे हो रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, और काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हो रहा है। अब ये देखिए भाई साहब, बड़ी जल्दी हो रही है, सामने गाड़ी आती नहीं दिख रही इनको, इनको बड़ी जल्दी हो रही जाने की। ये तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं दोस्तों, जो ये लोग करते हैं और फिर बड़ी गाड़ी वाले को दोष देते हैं कि ट्रक वाले ने गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई छोटी गाड़ी वाले की भी गलती थी। तो दोस्तों सिग्नल रोड पे कभी भी ओवरटेक करें तो काफ़ी अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए काफ़ी कम से कम भी 200-300 मीटर का जो रेंज है वो ध्यान में रखें, अननेसेसरी ओवरटेक्स ना करें। ओवरटेक करने का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए आदमी को, ड्राइविंग एबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस डाउन हो तो बिल्कुल भी ना करें गलती, और जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करें, आराम से चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मिनट बाद में पहुँच जाएंगे। लेकिन ओवरटेक बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों, वो स्पेशली सिंगल रोड्स पे। दोस्तों हम पहुँचेंगे कम से कम भी अभी आराम से, भीड़ तो आज दोस्तों काफ़ी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए आज संडे और ऊपर से मौसम भी इतना ज़बरदस्त है, तो हमें लगता है कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही है ना, तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि भीड़ तो ज़बरदस्त ही होने वाली है। बस दुआ करते हैं भगवान से कि हमें जल्दी से जल्दी दर्शन करवा दें। बाकी मौसम ज़बरदस्त, टोटल और टोटल ज़बरदस्त मौसम हो रहा है दोस्तों, काफ़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं आगे सामने से लेफ्ट राइट। दोस्तों ये देखिए हरियाणा और आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, यहाँ से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो राजस्थान के जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है, मान लीजिए कि वो भगवान के जो हैं वो यही हैं, सालासर बालाजी हैं और खाटू श्याम जी हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दूर दूर से आते हैं दोस्तों। हरियाणा की भी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, पंजाब की भी मिलेगी, राजस्थान की तो खैर है ही, राजस्थान में तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों काफ़ी आप अगर आप आना चाहते हैं कभी भी, तो इस मौसम में या सर्दियों के मौसम में ज़रूर से एक बार दर्शन कीजिएगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं आज तक कभी नहीं आया था यहाँ पे, रिंगस तक काफ़ी बार आ चुका, क्योंकि हमारा यहाँ पे कभी रूट बनता ही नहीं है आने का, तो फर्स्ट टाइम मेरा है। और रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, 2 टोल टैक्स अभी तक आ चुके हैं, तो अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, रोड्स एकदम टकाटक हैं। राजस्थान में देखिए यूपी से बेहतर सड़क मुझे देखने को मिली, हरियाणा से और यूपी से काफ़ी बेहतर सड़कें हैं राजस्थान की, तो रोड के मामले में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई हरियाणा से आ रहा होगा तो हो सकता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम की सामना करना पड़े सीकर तक, लेकिन यहाँ पे एकदम रोड टकाटक है दोस्तों, और काफ़ी मज़े आ रहे हैं गाड़ी ड्राइव करने में। ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश नहीं कर रहे, 71-72 तक की है स्पीड। तो यही है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और भी आज काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखाएंगे आपको। तो भाइयों अभी 20 किलोमीटर और बचे हैं बालाजी का मंदिर, और बारिश का तो क्या ही कहना, आज तो मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हो गया। मुझे लग रहा था कि ये 10-15 किलोमीटर की रेंज में बारिश होगी, लेकिन ये तो पूरा देखिए किलोमीटर चल चुकी है 138, और ये जो है अभी फुल फ्लैश में बारिश यहाँ पे भी हो रही है, तो मतलब बारिश ने तो आज समा बांध रखा भाई, और संडे का पूरा फन कर दिया, मज़े कर दिए पूरे, और इस ट्रिप का जो है पूरा मज़ा हो गया है आने का यहाँ पर बारिश के मौसम में। आज एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि जयपुर में तो बिल्कुल बारिश होती नहीं है भाई, आसपास के एरिया में इतनी बारिश हो रही है। रोज़ पेपर पढ़ता हूँ कि आज एवरेज से ज़्यादा बारिश हो गई है जयपुर में, यहाँ हो गई है एवरेज से ज़्यादा बारिश, ज़्यादा होती कहाँ है पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब पता लग रहा है भाई, ये देखो जयपुर से बाहर निकलो बारिश ही बारिश है, आप देख लो खुद, फुल मज़े हो रहे हैं बारिश के भाई, मस्त हो रहे हैं मज़े। और अब देखो ताकि इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों ज़्यादा, नहीं तब तक तो हम कब के पहुंच चुके होते। अब बारिश में क्या ना थोड़ा संभल के चलानी पड़ती है गाड़ी को, खड्डे खोज रहे, लेकिन हालांकि रोड तो काफ़ी जयपुर से लेकर यहाँ तक एकदम शानदार है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाता है कई जगह, और स्पीड भी एवरेज जो स्पीड होती है वो स्लो हो ही जाती है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन ठीक है हमें कौन सा जल्दी है,
आराम से जाएंगे, दर्शन करेंगे बाबा के, आराम जाएंगे। आज है फुल संडे, जाके करना क्या, सोना ही तो है भाई। लेट होंगे तो भी घर पहुंचना है, जल्दी जाएंगे तो घर पहुंच के करेंगे क्या भाई, एंजॉय करना है रास्ते में। मज़ा तो सफ़र का ही होता है, मंजिल का कोई मज़ा नहीं होता कभी भी, तो सफ़र के ही रास्तों के मज़े हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं। पहुँचेंगे तो फिर आपको बताएंगे पूरी यात्रा, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो भाई सालासर हम आ चुके हैं, अब ये जाना किधर है ये तो देखना पड़ेगा, मंदिर किधर है, सीधा ही है ये। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है आज तो भाई, और हम आखिर में पहुंच ही गए सालासर जी बालाजी मंदिर। विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है बारिश में, लेकिन ठीक है, 4:30 बजे तक हम पहुंच ही गए हैं आखिर में। 1 बजे के करीब हम निकले थे घर से, 12:30-1 के करीब। लेकिन अभी फाइनली देखिए फॉग ही रहता है अंदर से शीशा, जब तक एसी नहीं चलता ना तब तक तो ये क्लीन नहीं होता। आप देखिए बारिश तो फुहारे शावर्स तो आ ही रहे हैं, और फाइनली हम भाई पहुंच गए हैं। हम देखिए मंदिर, क्योंकि पहली बार आए हैं हमें पता नहीं है पार्किंग वगैरह कहां पर है और कहां पे गाड़ी को खड़ी करनी है, कहां कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा। बच्चे तो सो गए हैं दोनों, चलिए अब आ गए हैं, सारी चीज़ें भी पता कर ही लेंगे, कोई चैलेंज नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये था पूरा आने का पूरा व्लॉग, अभी इसमें मैं आपको दिखा रहा था कि क्या क्या रहेगा, रोड वगैरह कैसे हैं। तो काफ़ी बढ़िया रोड है जयपुर से यहाँ तक, तो 3 टोल प्लाजा है इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से। एक रोड जो था वो हमने मेन रोड ही पकड़ा, कोई छोटे मोटे गांव से आके कोई रोड अगर होगा भी तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा और ना ही कोई प्रेफर करता होगा। आइए आराम से दर्शन कीजिए बालाजी के, बने रहिए वीडियो में। तो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए हैं, 159.4 किलोमीटर दिखा रहा है, कुछ हमने 5-7 किलोमीटर की रिकॉर्डिंग नहीं की थी तो उस हिसाब से आप 170 मान सकते हो। फ्यूल जो यूज़ हुआ है 8 लीटर्स बता रहा है, यानी कि आप देख लो 20 का एवरेज दिया गाड़ी ने, अभी देख भी लेते हैं। देखिए पूरा जो एवरेज आ रहा है 20 किलोमीटर पर लीटर का आ रहा है दोस्तों, और ये जो एवरेज स्पीड है 47.7 किलोमीटर्स, और काफ़ी अच्छा दोस्तों एवरेज दिया है गाड़ी ने। तो दोस्तों अभी आपको अंदर जाते हैं, दर्शन कराते हैं, फिर बात करते हैं।